press the bell icon for all the updates. एक्चुअली इससे पहले मैं अनंत ना मुझसे काफ़ी रोमांटिक होने की कोशिश करता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अभी ऐसी क्या चीज़ करूँ कि मैं बुलबुल को कन्विंस करूँ कि उसको विजय को छोड़ना होगा। तो मैं अपने हाथ से अपने पीठ पे निशान बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ ताकि लोगों को, ऐसे मैं निशान बनाती हूँ और फिर मैं आके यहाँ पर बुलबुल को बोलती हूँ कि देखो तुम अगर विजय को नहीं छोड़ोगी तो मुझे अनंत के साथ रहना पड़ेगा और अनंत मेरे साथ ऐसे सब कुछ कर रहा है, तो अगर तुम विजय की खुशी चाहती हो तो तुम विजय को छोड़ दो। तो ये मैं नाटक करती हूँ ताकि वो विजय को छोड़ दे और मैं वापस विजय के पास आ जाऊँ। जो वो फाइल आपने दी लाई है विजय को देने के लिए, वो फाइल क्या है, किस चीज़ का? अनंत जब मुझे बोलता है वो फाइल लेके जाने के लिए, तो मैं अनंत को भी बोलती हूँ कि शायद आपको पसंद नहीं है कि मैं विजय के पास जाऊँ, तो इनडायरेक्टली मतलब मैं सीधी सादी बनने की कोशिश करती हूँ, बट फाइल के बहाने ही मैं यहाँ पे आई हूँ बिकॉज मुझे बुलबुल से मिलना है और बातें करनी है कि क्या चल रहा है। देख रही हूँ मैं कि सबके नज़रों में गिर रही है या नहीं, तो मैं देखती हूँ सब लोग तो काफ़ी खुश होते हैं, तो मैं उसको जाके बोलती हूँ सब लोग इतने खुश हैं तो कैसे तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे। तो कहती है कि नहीं मैं तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन सब इतने अच्छे हैं कि मुझसे फिर भी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई शो की बात, लेकिन अगर मैं सोनल से जानना चाहूँ तो अगर इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस रियली अगर फीमेल्स के साथ होता है तो उसको किस तरीके से? हाँ, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, फीमेल्स के साथ या मेल्स के साथ भी नहीं होना चाहिए, और आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों के साथ भी होता है, आपको पता नहीं है, तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के साथ हो रहा है तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए या अपने जो एल्डर्स हैं उनसे शेयर करना चाहिए, लेकिन कभी भी विदाउट एनी रीज़न आपको इन सब चीज़ों को सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? अपने फैंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा शो काफ़ी पसंद कर रहे हैं सारे फैंस, एंड मुझे काफ़ी मैसेजेस भी भेजते हैं, सो सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। प्लीज़ आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिए। मंदिरा और मेरा बातें तो हमारी होती ही रहती हैं, तो मुझे ये भी है कि शायद वो मेरा हाल पूछने आई है, ये जानने आई है कि मैं कब ये घर छोड़कर जा रही हूँ और कब मैं विजय की लाइफ से बाहर हो जाऊँगी, तो आई गेस शायद ये मोटिव है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे कि आपने उनको छाछ दिया तो हाँ, छाछ उन्होंने कपड़े पे गिराया तो हाँ, जानबूझकर तो ये पर मुझे नहीं पता है कि उन्होंने जानबूझकर गिराया, बट जानबूझकर शायद उन्होंने इसलिए गिराया ताकि वो मुझसे बात कर सकें अकेले में, और इसलिए मैं भी खाना की टेबल छोड़ के उनके पास चली गई कि मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ, जो बुलबुल दूसरों को हर्ट कर रही है और बदतमीज़ी से बात कर रही है, ये सब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो वो बार बार मंदिरा को फ़ोन करके बोल रही है कि मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वही बात करनी शायद हो गई है। और अच्छा, लेकिन मंदिरा के नापाक इरादे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कभी कुछ ना कुछ वो करती ही जा रही है। किस तरह बुलबुल इससे अपने आप को बाहर लाएगी? मुझे ऐसा लगता अभी तक तो बुलबुल को मंदिरा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो उसे अपनी बहन जैसी ट्रीट करती है और उसे लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, विजय और मंदिरा के बीच में आने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो बुलबुल को कोई आइडिया नहीं है, बट अब सिर्फ विजय ही एक होप है बुलबुल के लिए कि वो विजय कैसे भी करके उसे इस पूरे षड्यंत्र से बाहर निकाले बुलबुल को, क्योंकि बुलबुल अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रही है बिल्कुल, वो एकदम इतना गंदा वाला ट्रस्ट करती है मंदिरा पे कि वो अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं सोच रही है। अच्छा, लास्टली फैंस बुलबुल और विजय की जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि भले ही हम पास रहें या हम दूर रहें, हमारा बुलबुल और विजय का प्यार उनकी आंखों में दिख जाता है, तो वो जो तब दूर भी होता है ना, तो भी वो एक तड़प होती है उनकी आइज़ में देखने के लिए, तो अगर अब वो दूर भी हैं तो भी आप उनकी जोड़ी ऐसे देख सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं।